को बता दें, लुधियाना कोर्ट में कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई है। 6 मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। ब्लास्ट में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि दूसरा घायल हुआ है। धमाके से पूरी बिल्डिंग दहल गई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये बम धमाका है या फिर कुछ और है। गनीमत ये रही है कि आज वकीलों की हड़ताल है। वकील साहब की गल हुई है, ये डेड बॉडी पे अंदर बम ब्लास्ट होया है, क्योंकि अदालतों में बड़ी अणगहली है। कोई इतने रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जो मर्जी बंदा बंदा मरिया पे मैं खुद देख के आया। डेड बॉडी में हाथ लागे आया है, डेड बॉडी में हाथ लागे कॉम्प्लेक्स की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें, यहीं पर दूसरी मंजिल में बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ने अचानक बिल्डिंग दहल गया एक धमाके से। ये धमाका अब किस चीज का, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जो यहाँ शख्स थे, इन्होंने बताया कि बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट से ये अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। एक शख्स की जान चली गई है, कौन है वो शख्स, ये देखिए। ये जो शख्स है, ये लगातार ये बता रहा है कि बंदा मरिया पे मैं खुद देख के आया। डेड बॉडी में हाथ लागे आया है, डेड बॉडी में हाथ लागे बता दें कि आपको 2 लोगों की मौत हो गई है इस ब्लास्ट में। 2 लोगों की मौत हुई है। सतेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सतेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए, श्वेता, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो धमाका हुआ है, ये 6 मंजिला बिल्डिंग है अदालत परिसर की, और सेकंड फ्लोर पर ये धमाका हुआ है। कॉफी ब्रांच के ठीक सामने धमाका हुआ है। हालांकि धमाके के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत अभी तक हुई है, 4 लोग जख्मी हैं, जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, जिस तरीके से धमाका हुआ है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी और आसपास के इलाके की बिल्डिंगें भी इससे हिल गई थी। और जो दूसरी मंजिल से मलबा नीचे तक खड़ी कारों पर भी गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि आज अदालत परिसर में वकीलों की हड़ताल थी, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज लगभग ठप था और बहुत ज्यादा भीड़ परिसर के अंदर नहीं थी। तो कुल मिलाकर 12:20 पर ये धमाका हुआ है, और धमाके का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल पूरे इलाके की छानबीन भी की जा रही है, तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है, उसने फिर एक बार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। और कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां प्रतिदिन काफी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं अपने काम काज के सिलसिले में, और कोर्ट के वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। सतेंद्र, आपसे और जानकारी लेंगे, कुछ बयान आ रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बड़ी जनता बैठी, कच के में डिग्गा है, कैजुअलिटी तो नहीं, पता नहीं एक बंदा कह रहे हैं। सतेंद्र, देखिए, जो जानकारी मिल रही है सतेंद्र, अभी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, धुआं धुआं पूरा परिसर दिख रहा है, इंटेंसिटी बहुत हाई, यानी कि किस तरह का ये धमाका हो सकता है, कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और धमाके से 6 की 6 मंजिला पूरी इमारत जो है हिल गई है, और इसका धमाके का शोर तकरीबन 1 किलोमीटर तक लोगों ने सुना है, तो ये लग रहा है कि ये कोई तेज क्षमता वाला
तीव्र क्षमता वाला हाई इंटेंसिटी जो है ब्लास्ट है, और इसके पीछे कारण क्या है वो तो अभी फॉरेंसिक तफ्तीश से पता चलेगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है, बल्कि जिस तरीके से धमाका हुआ है लग ऐसा रहा है कि किसी ने कुछ कोई प्लानिंग की है, और इस धमाके के पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि लोगों में दहशत फैले। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये तादाद अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत जल्द फौरी तौर पर जल्दबाजी में कुछ भी बोलना अभी सही नहीं है, क्योंकि पुलिस मौके पर है और जो चार घायलों को अभी तक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया है, और जो मौका है वारदात है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था श्वेता, आज अदालत का कामकाज प्रभावित था, क्योंकि अदालत परिसर में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, और जिस जगह पर हड़ताल थी वहां पर बड़ी तादाद में वकील इकट्ठा हुए थे, और जैसे ही तकरीबन 12:20 पर ये धमाका बताया जा रहा हुआ, लोग जिस धमाके की जगह पर दौड़े, और ये तस्वीरें आपने देखी है और एक वकील का बयान भी आपने सुना है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने खुद एक डेड बॉडी को उस स्पॉट पर देखा है जहां पर धमाका हुआ है, और वहां पर फिलहाल पुलिस जो है कॉर्डन ऑफ कर रही है इलाके को, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोगों को भी ब्लास्ट स्पॉट से हटाया जा रहा है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस तरह का धमाका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तनाव का कारण बन सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव को भी अगर आप देखें तो मोड़ मंडी में इसी तरह का एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, तो पंजाब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अब जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है उस पर कानून व्यवस्था के लिहाज से सरकार और प्रशासन को सोचना होगा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, दूसरी मंजिल पर ये ब्लास्ट हुआ है। सतेंद्र बने हुए हैं हमारे साथ। सतेंद्र देखिए, एक बात तो साफ, आपकी बात से भी साफ हो गया है और जो तस्वीरें और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भी, कि आज हड़ताल है वकीलों का और उस बीच में ये ब्लास्ट किया गया है। जाहिर सी बात है कि किसी को नुकसान पहुंचाना ये मकसद नहीं, बल्कि डर और खौफ पैदा करना ये मकसद लग रहा है यहाँ पर। देखिए, ये सारा अभी जो है तफ्तीश होगी और उसके जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि कौन लोग इसके पीछे थे और उनका पर्पज क्या था। लेकिन जब भी कहीं धमाका किया जाता है उसका असल मकसद दहशतगर्दी होती है, लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाना होता है। हालांकि ये जो धमाका हुआ है इसमें भी अभी जो खबर आ रही है उसमें कई लोग घायल हुए हैं, जान भी जा चुकी है, तो ये तो नहीं है कि बिना सोचे समझे ये ब्लास्ट किया गया है। और अगर ब्लास्ट के पीछे इस तरह की मंशा है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए ये चुनौती बन सकती है, क्योंकि कुछ नहीं अभी कुछ दिन कहे जा सकते हैं, कुछ दिनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों से पहले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों से भी सबक लेना होगा, पिछले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इसी तरीके से मोड़ मंडी में एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में भी कई जाने गई थी, और अब जो माहौल बन रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश भी हो रही है। जैसा कि दो अभी पीछे बेअदबी के मामले भी आपने देखे हैं, उन बेअदबी के मामलों में भी दो लोगों की जान गई है, तो कुल मिलाकर तरह तरह की कोशिशें और इस तरह की साजिशें भी लग रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले हो सकती हैं, जो माहौल को खराब कर सकती है। बिल्कुल सत्येंद्र, हो सकता है ये साजिश हो माहौल खराब करने की, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र, क्या हाल फिलहाल कोई इस तरह का केस, कोई इस तरह का मामला चल रहा हो जिसकी हियरिंग हो रही हो, जिसको लेकर के क्या हम कोई कड़ी ऐसे ऐसे जुड़ सकती है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई किसी केस के मद्देनजर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो? देखिए श्वेता, ये तो बहुत जल्दी होगी कुछ भी कहना, लेकिन केस के इससे इसका कोई कोरिलेशन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह के ब्लास्ट के पीछे मंशा यही होती है कि बेहतर करती हो, लोगों में खौफ रहे, लोगों के जान माल का नुकसान हो, और अदालत हमेशा से एक ऐसी जगह होती है जहां पर काफी तादाद में भीड़ होती है क्योंकि वर्किंग डे है। हालांकि गनीमत ये थी कि आज ही वकीलों की स्ट्राइक हुई थी और स्ट्राइक की वजह से बड़ी तादाद में लोग अदालत परिसर से बाहर थे, वहां पर वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, यानी कि आज कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी परिसर के अंदर।
जी बिल्कुल, क्योंकि वकीलों स्ट्राइक के चलते ज्यादातर वकील बाहर थे और वो लोग जो अदालत से जुड़े हुए हैं, अदालत में नौकरी करते हैं, ऐसे लोग परिसर के अंदर थे जो कि अपना डेली रूटीन का काम निपटा रहे थे। और जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर कॉफी ब्रांच है, साथ ही में बाथरूम है, और बाथरूम एक ऐसी जगह होती है भले ही स्ट्राइक भी हो उस समय पर भी लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से ये इंटेंसिटी है ब्लास्ट की और जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी फिलहाल लग रही है, लग ही रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये धमाका यहाँ पर किया गया है। सत्येंद्र ये बताइए कि जहां पर ये स्ट्राइक हो रही थी, हड़ताल हो रही थी वकीलों की, वहां से इस जगह की दूरी जहां पर ब्लास्ट हुई है वो कितनी दूरी होगी? देखिए मैं आपको अगर ज्योग्राफिकली मैं आपको समझाऊं, 6 मंजिला ये इमारत है, दूसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट का जो परिसर है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर परिसर से तकरीबन 50 से 75 मीटर दूर थोड़ी सी पार्किंग के बाहर ही यहाँ पर वकील इकट्ठे हुए थे। और दूसरा मैं आपको बता बिल्कुल शुक्रिया सत्येंद्र आपका जान